हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट लिक्विमोली 40 एडिटिव शूटर। ये एक्चुअली एक फ्लूइड होता है या लिक्विड होता है जिसे हम अपने बाइक के टैंक में डालते हैं पेट्रोल के साथ। जब ऑलमोस्ट आपकी बाइक में 10 लीटर्स का पेट्रोल होता है तब हम इसको अब मिक्सअप करते हैं पेट्रोल के साथ। इसके होता क्या है, ये हमारी बाइक की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देता है। कैसे, जो भी हमारे बाइक का कार्बोरेटर या फ्यूल पंप होता है उसमें थोड़े बहुत रेजिड्यू या कचरा, आप ये कहें कि कचरा थोड़ा सा जमा हो जाता है, तो ये करता क्या है, ये हमारी बाइक के पेट्रोल के साथ या फ्यूल के साथ मिक्सअप होके हमारा जो कार्बोरेटर होता है या फ्यूल पंप होता है उसे क्लीन करता है, जिससे हमारी बाइक का पिकअप और माइलेज अच्छा हो जाता है। आपको इनिशियली पता नहीं चलेगा इसमें कि कब आपका रिस्पांस आ रहा है, बट जैसे ही आप पेट्रोल के साथ इसको मिक्सअप करोगे और 30-40 किलोमीटर बाइक चला लेंगे तब आपको इसका एक्चुअल रिस्पांस पता चलेगा। लिक्विमोली एक अपने आप में अच्छी ब्रांड है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है और काफ़ी रीजनेबल रेट्स पे। जैसे ये प्रोडक्ट का MRP 299 है बट ये मुझे ऑलमोस्ट 255 रुपीज़ का पड़ा। मैंने ये फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था बट अमेज़ॉन पे भी मिल जाता है। सो अभी इसका रिस्पांस बाइक में डाल के देखते हैं हम। ये खड़ी हुई हमारी बाइक, अभी इसमें हम डालने जा रहे हैं लिक्विमोली का 40 एडिटिव इंजन शूटर। अभी हमने इसमें अपना लिक्विमोली का जो 40 एडिटिव शूटर है वो हमने बाइक में डाल दिया है। अभी ऑफिस जा रहा हूँ मैं, ऑफिस जाने पे पता चल जाएगा 30-40 किलोमीटर्स के बीच में इसका रिस्पांस हमको दिखने लगता है, बाइक में इसका पिकअप बढ़ जाता है और इसकी वजह से हमारा माइलेज भी अच्छा होगा। तो अभी फाइनल जो हमारा रिव्यू आएगा वो इस वीडियो के एंड पे आएगा। हाय गाइस, जैसा मैंने आप लोग से बोला था कि मैं शाम में ऑफिस से जब घर जाऊंगा तब इसका देखूंगा कि क्या डिफरेंस आया है पिकअप पे, क्योंकि ऑलमोस्ट 30-40 किलोमीटर तब तक चल चुकी होगी बाइक। बट मैंने एक छोटा सा चेंज किया है इसमें और वो चेंज ये था कि जब ये बाइक का टैंक फुल था तो मैं क्यों इनिशियल आपको रिस्पॉन्स बताऊं या इनिशियल डिफरेंस बताऊं कि क्या डिफरेंस आया है परफॉर्मेंस में या माइलेज में। मैंने अपना पूरा टैंक कंज्यूम्शन कर लिया है, मेरे टैंक का पूरा फ्यूल कंज्यूम हो चुका है। ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो गया है इस बात को। आज जब मेरा टैंक बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म पे था तब मैंने सोचा कि अब देखते हैं कि इसके किलोमीटर्स रेंज कितनी हो चुकी है, इसके किलोमीटर कितने हो चुके हैं। एंड ट्रस्ट मी, इस पूरे दरमियान मुझे मेरी बाइक के पिकअप में तो चेंज मिला ही, वो काफी अच्छा काफी बेहतर डिफरेंस है जो मुझे देखने को मिला। क्यों? क्योंकि हम जब ट्रैफिक जैम में फंसते हैं उसके बाद जैसे ही हमको कोई खाली सड़क दिखती है वी जस्ट रेव इट एंड उस वक्त हमारी बाइक की परफॉर्मेंस काफी कम हो जाती है। बट इसकी वजह से काफी हद तक मुझे अच्छा पिकअप मिला एंड आज जब मैंने पूरा टैंक खत्म हो गया, पूरा फ्यूल कंज्यूम हो गया, उसके बाद मैंने इसका किलोमीटर्स या इसका माइलेज चेक किया तो मुझे अपनी परफॉर्मेंस पे, अपनी बाइक के चलने चलाने के तरीके पे अराउंड 50 किलोमीटर ज्यादा रेंज मिली है। ये एक काफी अच्छी रेंज है। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी बाइक में अभी पहली बार यूज किया है और ज्यादा मेरी बाइक चली नहीं है, ऑलमोस्ट 9,500 किलोमीटर चली है तब मैंने यूज किया। इसमें मुझे पिकअप एक नंबर, माइलेज इंक्रीज हुआ, 50 किलोमीटर एक्सेस चली है एंड अब मैं आने वाले टाइम में भी एक बार इसकी वीडियो और बनाऊंगा, देखूंगा कि इस बार क्या चेंज आ रहा है। बट हर प्रोडक्ट अपने आप में कहीं ना कहीं कारगर होता है, इसने प्रूफ कर दिया। सो आई कीप मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोस। टिल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग। बाय बाय।